नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी। लापरवाही में डूब रहा शहर, जी हां, आसमानी आफत के चलते देश में बारिश के कई राज्य तरबतर हो गए हैं। तूफानी बारिश से एक ओर जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं दूसरी ओर कई राज्यों का हाल बेहाल हो गया है। लगातार हो रही बरसात से हरियाणा राज्य भी अछूता नहीं है। बात करें बल्लभगढ़ की तो बल्लभगढ़ मंडी का हाल बेहाल हो गया है। तस्वीरें बल्लभगढ़ सब्जी मंडी से है, जहां लगातार नगर निगम और मंडी सेक्रेटरी के दावों को पानी पानी कर दिया है। फरीदाबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां जल भराव से लोग परेशान हैं। वहीं इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फरीदाबाद में विकास हुआ है और इसी को लेकर सभी दुकानदारों ने कामकाज ठप कर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा पिछले कई सालों से उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और फरीदाबाद में दो दो मंत्री होने के बाद भी मंडी का विकास नहीं हो पा रहा है। वहीं सभी प्रमुख चौक चौराहे, सड़कें, कॉलोनियों और गलियां तालाब में तब्दील हो गए हैं। नालों और नालियों की सफाई पर खर्च किए गए करोड़ों से अधिक की राशि बारिश में बह गई है। कहीं पर नाला की ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है, इससे कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। सबसे अधिक बुरा हाल एनआईटी और बड़खल इलाके का है, जहां एनएचपीसी अंडरपास का हाल भी बेहाल है, जहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग बुरी तरह फंस गए हैं। इन तस्वीरों ने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल दी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फरीदाबाद शहर में नगर निगम ने बारिश को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं किए हैं। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक ओर जहां बारिश से शहर तरबतर है तो वहीं दूसरी ओर लोग परेशान हैं। संजीव संजीव, बरसात में कितनी परेशानी आ रही है? बहुत दिक्कत है, परेशानी काफी परेशानी है। काम धंधे बंद हो गए, लोग गाड़ी घोड़ा है ना खराब हो रही है, ऐसी रेडी सारी बंद होगी, बहुत परेशान है। आने जाने वाले को दिक्कत है, काफी दिक्कतें आ रही है। हाँ जी, काफी दिक्कत है, बहुत परेशानी है। निकास नहीं है कुछ पानी का, यहाँ से किसी पानी भर जाते हैं, निकास है नहीं। हाँ, सारे काम अंदर बंद हो गए, सारे परेशानी काम अंदर सारे बंद हो गए। भाई जी, मेरा नाम है राहुल शर्मा। राहुल, हाँ जी, पानी भरा हुआ लगातार, किस तरह से परेशानी है? परेशानी ये है जी, देखने कितना पानी भरा हुआ है। हम मेडिकल सप्लाई कर रहे हैं अपनी दवाइयों को, हम आम जनता की सेवा नहीं कर सकते इस पानी में, तो क्या कर सकते हैं? इसको कोई सोल्यूशन निकालिए ना। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं बल्लभगढ़ की अनाज मंडी से। हमारे साथ में संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है वो काफी निराशाजनक है। नगर निगम ने आखिर इसके लिए पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किए पानी निकासी के लिए? बिल्कुल अनुपमा, मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से लगातार तीन दिन से जमाता में ये बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो सब्जी मंडी की बात करें बल्लभगढ़ की, लगातार पानी में लबालब भरी हुई है, लगातार जलमग्न हुई पड़ी है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर, इस तरह हम बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में भी यहाँ मौजूद है, किस तरह से यहाँ पर किस तरह पानी यहाँ पर भरा हुआ है, जो काफी लोगों को काफी यहाँ पर परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अगर कोई किसान यहाँ पर फसल लाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर फसल का कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं कर रखा जो इस जल भराव से यहाँ पर बचा सक सके फसल को लेकर, और काफी परेशानी का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से बात करें तो बल्लभगढ़ की, तो जो अनाज मंडी में लगातार यहाँ पर जो आढ़ती है और अपनी मांगों को लेकर बैठे है, अभी तो फिलहाल जो फसल किसान को लानी है उस फसल को लेकर वो अभी तक बंद कर रखा है। लगातार जो आढ़ती मांगों को लेकर बैठे, और जिस तरह से जल भराव यहाँ पर पड़ गया, तो बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में तो जो वहाँ पर लगाने वाले रेडी लगाने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, उनकी जो समस्या काफी यहाँ पर बनी हुई है, और अपनी रोजी रोटी उनको यहाँ पर उनकी ठप पड़ी पड़ी है, लगातार काफी परेशान है। और बात करें तो मार्केट कमेटी की, जो मार्केट कमेटी है उसके अंदर में ये बल्लभगढ़ सब्जी मंडी और अनाज मंडी आती है, जिसके कारण यहाँ पर जल भगन है वहाँ पर हुआ पड़ा, कोई ऐसी पानी निकालने की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। बिल्कुल अनुपा जितेंद्र, कितने समय से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर पिछले साल भी ऐसी कुछ स्थिति थी तो क्या पहले से इसके इंतजाम नहीं किए गए थे? बिल्कुल अनुपमा, जिस तरह से अगर ऐसे समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको कभी उनको बेबस होना पड़ता है। जिस तरह से उनकी रोजी रोटी भी उनकी इसी अनाज मंडी से मतलब सब्जी मंडी से यहाँ पर चलती है, तो पहले ही जैसे मौसम विभाग पहले चेतावनी दे देता है लगातार प्रशासन को और उसको, तो उनकी समस्या का समाधान नहीं करने चाहिए, तो कोई ऐसी समस्या का समाधान यहाँ पर नहीं किया गया। जिस तरह से अगर पहले यहाँ पर पानी निकासी का किया जाए, जैसे लगातार जो नालियों की बात करें, नाली भरी रहती है, उसकी कोई सफाई नहीं होती, और सफाई ना होने पर तो नाली रुक जाती है,
और सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, इसी कारण से जो जल भराव की समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। जी जी जितेंद्र, तो तस्वीरें काफी डराने वाली है, ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों को किस तरीके की परेशानियां हो रही है। बिल्कुल अरुणा, मैं आपको बात करने की कोशिश करूंगा, जाओ यहाँ पर आदित्य जो लोग हैं सब्जी मंडी में आते हैं तो कितनी परेशानी को उन्हें सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम, जिस तरह से जल भराव यहाँ पर बढ़ रहा है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पानी निकासी करने की जगह ही नहीं मिल रहा है, नाली जाम हो जाता है, कचड़े उचड़े मंडी पर बगल में नाली जाम रहता है, इसलिए कहीं निकासी नहीं हो पाता है। अच्छा, यहाँ हम लोग को तो काम है, कैसा मिल रहा है काम? यहाँ काम करने की बारिश में पानी भरा रहता है, कैसे काम होगा जी? अच्छा, काम है ही नहीं रहा, तीन चार दिन से ऐसे बैठे पड़े हैं, एक रुपए भी कोई जो ठप हो रहा है बरसात के चलते। तो और भी कुछ आदतें उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? यात्रा सिंह। यात्री, क्या कहोगे जिस तरह से यहाँ पर बरसात पर जल भरन हुआ पड़ा है? छोटे अनाज मंडी जल भरे पड़े, बुरा हाल है यहाँ मंडी का। तो लेबर डिपार्ट का आदमी, हम लेबर लेकर आए हैं, उसमें पानी भरे पड़े, ना काम धंधा कुछ न चल रहा, ना किसान माल ला रहा, भारतीय हड़ताल करके बैठे पड़े। अच्छा, तो आपका काम ठप सब हुआ पड़े हैं? बिल्कुल ठप है सर। बिल्कुल अल्पवा, जो यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कह रहा है, जिस तरह से बरसात है और पानी यहाँ पर जलमग्न हुई पड़ी, पूरे अनाज मंडी, तो हमारे लोगों को यहाँ पर काम भी, हमारा रोजगार यहाँ पर ठप पड़ा। जी काफी परेशान है, कितने समय से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है कि आखिर कैसे इसी तरीके से बारिश जारी रहेगी? बिल्कुल अनुपात, जिस तरह से मौसम विभाग ने आज कल की साफ तौर पर चेतावनी दी है कि लगातार अगर ऐसी बरसात हो तो अपने घर पर रहे और कहीं बाहर न निकले, तो इसको लेकर तो उन्होंने जो फरीदाबाद के डीसी है विक्रम यादव, उन्होंने काम सड़क लगातार सड़कों का जायजा कर रहे हैं, जहां पर जल वगैरह हुआ पड़ा है पूरी सड़क, उन पर पानी के टैंकर भी यहां पर लगाए गए हैं पानी चुकाने के लिए, फिर भी लगातार जो जमाजम ये बरसात है कहीं ना कहीं जल वगैरह हो जाते हैं, तो इसके कारण वो भी असफल दिखाई दे रहे हैं। जी जी, मंडी सेक्रेटरी ने क्या कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर निगम के साथ साथ मंडी सेक्रेटरी ने भी इंतजाम करना चाहिए था पहले से, ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही, क्योंकि हर साल ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से अगर बात करें तो आढ़तियों की बात करें, आढ़तियों लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए, जो ई नेम की जो प्रणाली आई थी पोर्टल उसको लेकर जो उनको रद्द करवानी चाह रहे थे वो इसको लेकर बैठे हैं, तो यहाँ पर जो किसान है फिलहाल अभी फसल लेकर यहाँ पर पहुंच नहीं रहे हैं, तो जिस तरह से उन्होंने आढ़तियों ने हड़ताल कर रखी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ना तो कोई किसान यहाँ पर आएगा और ना ही यहाँ पर फसल उनकी ली जाएगी। जी अनुपमा, तो जितेंद्र अगर ऐसे में देखे तो अनाज मंडी का हाल इस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं अनाज भी काफी खराब हो रहा होगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करके रखी है? बिल्कुल अनुपमा, जिस तरह से अगर ये बरसात ऐसी है तो मंडी अधिकारियों की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जो फसल को लेकर यहाँ पर जो व्यवस्था की जो फसल अपनी बचाई सके, तो लगातार पहले की बात करें तो पहले पिछले साल भी यहाँ पर धान की ढेरी आई थी जो पानी में बह गई थी, जो जी तो कुल मिलाकर देखा जाए जितेंद्र तो काफी हालत खराब है, और ऐसे में फसल भी कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लंबे दौर पर अगर देखा जाए तो कहीं दूर दूर से किसान यहाँ पर आते हैं अपने अनाज मंडी में, ताकि वो अपना जो अनाज है उसे बेच सके और अच्छे से रकम हासिल कर सके, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये बारिश उनके लिए एक आफत की बारिश साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा, जिस तरह से लगातार ये बारिश यहाँ झमाझम पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी यहाँ पे फसल पर उनका काफी नुकसान पड़ रहा है, जो उनकी फसल काफी बर्बाद हो गई है, इसके चक्कर सब्जियों की बात करें फसलों की बात करें काफी नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है इस बरसात के चलते। जी अनुपमा, तो मंडी सेक्रेटरी ने क्या कहा है कि अब कोई इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान भी विरोध कर रहे हैं और आढ़तियों ने भी कहा है कि अगर कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो क्या मंडी सेक्रेटरी को क्या कोई आश्वासन दिया गया है कि व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल अनुपमा, जब हमने मंडी सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कैमरे पर बोलने से मना कर दिया कि उन्हें क्या है, जल्दी हम इस पानी की निकासी का समाधान यहाँ पर कर देंगे, तो लगातार अब भी कोई यहाँ कोई जल निकासी के कोई ऐसी यहाँ प्रबंध नहीं किया गया जो जल को आकर निकाल सके। जी जी, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी काफी आक्रोश होगा, जाहिर सी बात है कि अगर एक आश्वासन मिलता है तो लोगों को एक इंतजार रहता है कि काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना तो आश्वासन दिया जा रहा है, यहाँ सीधे तौर पर बचने की कोशिश भी की जा रही है मंडी सेक्रेटरी के द्वारा।
बिल्कुल रुकमा, जिस तरह से अगर मंडी सेक्रेटरी की बात करें तो उनकी तरफ से जो आश्वासन यहाँ पर अगर दिया है तो कोई ऐसी समस्या का यहाँ पर हल नहीं किया गया, और लगातार जो मंडी के आड़ती है उनकी तो यही कहते हैं, हमने कई बार यहाँ पर ज्ञापन दे दिया और कई बार शिकायत लोगों से कहते तो हमें काफी समस्या हमें यहाँ पर रहती है, हमारे जो रोड ठप हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर उनके काम करने वाले आड़ती के काम करने वाले लेबर यहाँ रहती है, तो जैसे किसान फसल लाते हैं तो उनके जो पल्लेदारी होते हैं वो कटते हैं, तो उनके भी काम यहाँ पर ठप दिखाई दे रहे थे। इस वक्त आप अनाज मंडी में जितेंद्र मौजूद है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए कि आखिर अनाज मंडी की तस्वीर कैसी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आसपास पूरा पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लगातार जिस तरह से आप यहाँ पर पानी लगातार भरा हुआ, 3 से 4 फुट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और जो भी आने वाले लोग हैं आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर जो वाहन आ रहे हैं काफी गाड़ी जो उसमें डूब जाती है और पानी खराब हो जाते हैं वाहन, और लगातार धीरे धीरे यहाँ पर वाहन निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पानी यहाँ पर लगातार भरा हुआ है, और काफी लोग जो मंडी में आ रहे हैं वो काफी परेशान है इस समस्या को लेकर, अभी तक इनकी समस्या का समाधान यहाँ पर नहीं किया जा रहा, जिससे कि वो पानी निकासी मार्केट कमेटी के द्वारा यहाँ पर किया जाए, और लोग काफी जो समस्या है लोगों की यहाँ पर बनी हुई है। जी, तो एक तरीके से जिम्मेदारी होती है मंडी सेक्रेटरी की और साथ ही नगर निगम की कि अगर कहीं पर अव्यवस्था शहर में देखी जाती है तो उसे सुव्यवस्थित किया जाए, व्यवस्था की जाए, लोग अगर परेशान है तो उनकी परेशानी को हल किया जाए, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर बचते नजर आ रहे हैं, चाहे नगर निगम की बात करें मंडी सेक्रेटरी की बात करें। तो जितेंद्र आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, अगर बात करें तो हमारे साथ कुछ मंडी के आड़ती भी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? होशियार लांबा नाम है जी। होशियार जी, जिस तरह से मंडी में पानी लगातार भरा है, किस तरह से मंडी सेक्रेटरी की बात करें, क्या इंतजाम किया गया है? कोई सुविधा नहीं है पानी निकासी की, पिछले 3 दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि खूब शिकायत भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई पानी का कोई निकासी नहीं है, जिसमें हम भी जैसे कन्वेंस से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, हमारे काम धंधों पे फर्क पड़ रहा है, पिछले 3 दिन से कोई साफ सफाई का कोई भी काम नहीं है मंडी के अंदर। तो कभी अधिकारियों से मिले हैं, क्या कहते हैं, उनके तक क्या आश्वासन मिलता है? अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी कहते हैं कि भाई अभी वहाँ ट्यूबवेल खराब हो रहा है, कभी कुछ मोटर खराब हो रही है, पानी की वजह से कोई निकासी नहीं है, अधिकारी तो ये बात करते हैं। तो मंडी चलते जैसे बरसात चले तो काफी नुकसान आपको झेलना पड़ रहा होगा? जी, नुकसान काफी झेलना पड़ा है, लाखों रुपए का नुकसान है मंडी के व्यापारियों का, और देख रहे हैं अपने जैसा भी अब काम चल रहा है, बारिश तो हो ही रही है, हर साल ऐसे पानी भर जाता जिससे बरसात होती है? हाँ जी, ये हर बारिश का यही काम है मंडी के अंदर, जितने भी बारिश हुई है अब तक हर बारिश में कोई पानी की कोई निकासी नहीं है मंडी में। बिल्कुल, जिस तरह से जो मंडी के लोग हैं वो भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि इसके हमने कई बार शिकायत दे दी, और शिकायत देने के बावजूद भी यहाँ पर मार्केट कमेटी के द्वारा यहाँ पर पानी निकासी का काम नहीं किया जा रहा। जी जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों से पूछा गया तो वो पानी से तो परेशान है ही, बारिश हो रही है उसकी वजह से परेशान है, लेकिन यहाँ पर गंदगी भी देखने को मिल रही है और उसकी सफाई भी यहाँ पर नहीं की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो मंडी सेक्रेटरी और नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है हर साल हरियाणा में बल्लभगढ़ की बात कर ले, फरीदाबाद की बात कर ले, तो वहां पर पानी गिरता ही है और इसी तरीके की स्थिति मिलती है जहां पर जलभराव जैसी स्थिति होती है, लेकिन उसकी निकासी के लिए नगर निगम की टीम द्वारा या फिर अनाज मंडी की जो सेक्रेटरी है उसके द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। एक और जहां किसान परेशान है उसकी वजह से आम जनता भी काफी परेशान है। अब भरी बारिश में जरूरत है कि जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है उसे दूर किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।